तो भाई बहुत दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है, काफ़ी दिन हो गए। और ये गरीब का घर है ये है यहाँ से। और भैया मुझे जब भी यहाँ से छोड़ देंगे, मैं निकलने वाला हूँ काशी विश्वनाथ के लिए, जो कि 2 दिन अभी मैं वहाँ पे रहने वाला हूँ। 2 दिन मतलब आज तो जाऊँगा, कल सुबह की 5 बजे की आरती लेना है मुझे वहाँ पे। तो मेरे प्लानिंग कुछ ऐसी है। तो भैया लोग यहाँ पे मुझे बता रहे कि भैया तुमको जाना है, चलो तुमको जौनपुर घुमा दूँ। लेकिन मैंने जौनपुर जाना नहीं है यार, मेरे महादेव मेरे नाराज़ भी हो जाएंगे। तो बस अभी निकलने वाला हूँ, भैया छोटा सा ड्रॉप देंगे मेरे को हाईवे की तरफ, तो वहाँ से मैं बस वगैरह लेता हूँ। ये है, ये मेरे बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी है, और ये छोटा भाई है। छोटा भाई तो एक बार भी वीडियो में नहीं आया, बोलू तू आ जा यार। ये मेरा भाई है। और ऐसा है, अभी मैं निकलने वाला हूँ कि कल भी जौनपुर की साइड पे गया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जौनपुर में जा किधर रहे, तो इसलिए व्लॉग नहीं बनाया। तो ऑलरेडी मेरे को आराम भी चाहिए था। अब यहाँ से ज़्यादा घूमना नहीं, मेरे को मुंबई के लिए जाना है। तो दर्शन करते हैं महादेव का, फिर काशी का थोड़ा देखूंगा। अभी ऑलरेडी जब से यहाँ पे हूँ यूपी में, जब से मतलब यार यूपी का ही हूँ मैं, तो आज तक अभी गया नहीं। तो यार जब आया हूँ तो यार ब्लॉग भी कर ले, दर्शन भी कर ले, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी निकलता हूँ मैं हाईवे के लिए, भैया भैया मिलते हैं तो मुझे ड्रॉप करेंगे, फिर जाता हूँ आगे मैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, यहाँ से आएगा। ये काफ़ी, ये जितना भी जगह दिख रहा सब हमारी खेती का ही है। तो अभी मेरा स्कूल भी आगे है, जहाँ पे मैंने पहली और दूसरी मैंने मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था। गाड़ी आ गई, बैठेंगे आगे जाएंगे। ये भैया है जो जौनपुर की तरफ जा रहे हैं, मेरे को भी ज़बरदस्ती करे कि चलो जौनपुर जौनपुर घुमा दूँ, लेकिन मैं जौनपुर नहीं जाना है, जाना है काशी विश्वनाथ। तो अभी निकलते हैं वहाँ के लिए। तो ये रास्ते में जब स्कूल पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी स्कूल का मैं ब्लॉग अपने दिखाऊंगा यार कि मैं किस स्कूल में था। तो अभी चलते हैं आगे के लिए। तो अभी आगे स्कूल आने वाले हैं, क्योंकि स्कूल आप देख रहे हैं। इसमें मैंने बचपन में 5-6-7 साल का था, तो मैंने स्टडी यहाँ पे किया था पहली और दूसरी यहाँ पर। यह स्कूल है, जो काफ़ी गिर चुकी है स्कूल, जो यहाँ के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ क्या मतलब, जो यहाँ का प्रिंसिपल है, जहाँ का प्रधान है, वो प्रधान का ही प्रधान थे। तो ये सारा है, यहाँ पे स्टडी किया था मैंने। और यहाँ पे जस्ट एक हाईवे निकला हुआ है जो लखनऊ को जोड़ता हुआ है ना भैया, लखनऊ को जोड़ता हुआ हाईवे है जो बनारस से लखनऊ की तरफ जाता है। अभी फिर यहाँ पे मुझको ड्रॉप करेंगे, फिर यहाँ से मैं बस लेने वाला हूँ, बस लेके सीधा बनारस के लिए, जो मुझे इजीली यहाँ से बस वगैरह मिल जाती है। तो भाई ये बस आ रही है, वेट कर रहे थे कब से। तो फिलहाल बनारस के लिए जाएगी है। तो बस भी मिल गई है यार भाई, बनारस आई ना, बनारस जा रहे हैं, बनारस भी जाएगी। हम पहले बैठते यहाँ से कुछ 60 रुपये लगेगा लगभग, देखते क्योंकि जब मैं आया था तो 75 रुपीज़ लगा था। मैंने जौनपुर तक की बस लिया था, वो ये जौनपुर नहीं है, जौनपुर से 7-8 किलोमीटर पहले ही है। तो अभी देखते हैं, अभी बस से उतर गया मैं, और जो भाई मुझे वहाँ पे मिले थे गोरखपुर मंदिर में, तो जो साथ में 2-3 लोग थे, वो लोग भी आए हुए हैं काशी विश्वनाथ। तो अभी उनसे मेरी बात भी हुई है, तो अभी वो लोग भैरव काल मंदिर के पास में है, तो अभी मैं वहाँ के लिए जाऊँगा। यहाँ से लगभग 15 से 20 मिनट जो भी लगेगा, मुझे पता नहीं है, मैप में देख के मैं कॉल करके बात करता हूँ एक बार, फिर लोकेशन शेयर करेंगे, तो उसी लोकेशन पे जाता हूँ मैं। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलता हूँ भाई, अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और इसके अंदर मुझे रूम मिल गया, ये भी फ्री है, तो मुझे ऐसी कुछ चाहिए रहता है। यहाँ पे भी है, इसमें 17 बेड अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो भाई है ये यहाँ पे है, यहाँ पे रहते हैं, तो उनसे मैंने बात किया, तो काफ़ी जगह भी है तो मिल गया है। तो 1-2 दिन यहाँ पे मैं घूम भी सकता हूँ, दर्शन भी ले सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बैग भी रख सकता हूँ यहाँ पे, नहा भी सकता हूँ ऐसा। तो ये सब मुझे जगह पूरा मिल गया है इधर। तो भैया यहाँ पे अगर कोई आने से रह सकता था एकदम आराम से, ऑफकोर्स कोई बात, ये जैसे मैं गोरखपुर में था सेम वैसे ये भी है, तो कुछ टेंशन नहीं है सारी चीज़ें। बट यहाँ पे गैस चूल्हा ऐसा अवेलेबल नहीं है ना, नहीं गैस चूल्हा नहीं है, तो बाकी यार लाकर बना सकते हो, ला के बना सकते हो। हाँ कोई भी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारी इसका डिटेल्स लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ यहाँ पे भी है। तो अभी मैं यहाँ से
अभी यहाँ पे मंदिर कौन सा बगल में? महामृत्युंजय। नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ पे काल भैरव ना एक। हाँ, काल भैरव, महामृत्युंजय, मंदिर तो बहुत सारे हैं अब। सॉरी गलती मेरी भाई, मंदिर यहाँ पे देव की नगरी में आए हैं, देव की नगरी में आए और मंदिर पूछ रहे मंदिर कहाँ है। तो मंदिर पूरा ही है। तो अभी यहाँ से अभी काल भैरव मंदिर जाना है। तो वहाँ जाने के बाद प्रधान जी याद आया, आपने देखा रहेगा अगली वीडियो में प्रधान जी को, बागपत से, बागपत से प्रधान जी है। तो ये नाम से प्रधान जी नहीं है भाई, काम से प्रधान जी है। प्रेजेंट टाइम में प्रधान जी है, बागपत से है। दिल्ली कहाँ पे? बागपत, बागपत डिटोरा गांव, डिटोरा, डिटोरा गांव में बागपत से है, जो नियर बाय गाजियाबाद और कौन सा जगह आता है नियर, नियर गाजियाबाद भी है, दिल्ली भी है, नज़दीक है। अच्छा, तो वहाँ से ये है। तो इन्होंने भी मुझे काफ़ी कुछ बोला है कि अगर आप, मैं मतलब मैं तो ट्रैवल ही कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, इनको भी बहुत शौक है। इनको लेकिन शौक ट्रैवलिंग का नहीं है जितना मंदिरों में है भगवान से। तो ये सारे इन्होंने अब तक कहाँ कहाँ तक गए हो? चार धाम उत्तराखंड, चार धाम उन्होंने पूरा कंप्लीट किया उत्तराखंड साइड, मथुरा वृंदावन ये सारा जो है। तो ये अभी भी मुझे लेके जाने वाले हैं, पैदल जल चढ़ाता हूँ गंगोत्री से केदारनाथ। तो कांवड़ यात्रा जो बोलते हैं, तो ये कब से आप कर रहे हो कांवड़ यात्रा? मुझे तो 22 साल हो गए, 22 साल से कंटिन्यू कांवड़ यात्रा कर रही है। तो इनके साथ मुझे भी ये करना है, क्योंकि यार जब मैं मुझे ऐसे लोग मिलेंगे तो मुझे भी एक्साइटेड रहेगा कि मैं भी करना चाहता हूँ। चलो कोई ना कोई है, तो फिलहाल मैं इनके साथ में एक ज्वाइन करने वाला हूँ। साथ में चलेंगे, आपकी बार साथ में भी जाएंगे। तो इन्होंने टाइम बताया कि कब मैं जाता हूँ, कैसे कैसे सावण में पूरा उत्तराखंड इनके साथ घूमेंगे जितना भी रहेगा। इनको मेरे से कहीं ज़्यादा पता है, क्योंकि उम्र में काफ़ी बड़े हैं और ये प्रधान भी हैं। और दूसरी चीज़ की ये काफ़ी मंदिरों में जाते हैं, इनकी श्रद्धा काफ़ी है, तो ये जाते भी है। तो इनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मैं इनसे सीखूँगा कि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या, डिटेल लूँगा, आपसे शेयर करूँगा, आपको ही बताऊँगा। और खुद ये प्रधान जी है जो वहाँ पे आपको बताएंगे, बताएंगे जी जरूर अगली वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर देखो बताएंगे भी। और अभी वो चीज़ दिखाएंगे जो दुनिया में किसी ने नहीं दिखाई हो, वो चीज़ सबूत देंगे भगवान होने के। अगर भाई यहाँ 18 पुराणों को रचना करी है, वेद व्यास जी हैं जो बद्रीनाथ से ऊपर हैं, भीमशिला हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो दिख रही हैं, हैं भगवान सृष्टि में सब चीज़ है, वो दिख रही हैं, सबूत है। अब 2013 में ही ले लीजिए, 2013 में जो आपदा आई केदारनाथ मंदिर पे, वो साक्षात भोले उसे बचा के गए हैं, वो शिला टेकी है पीछे। तो हाँ, जो आपने देखा कि वो पत्थर जो है, तो भाई हम लोग जो देखा है हम लोग सामने जाएंगे इनके साथ। हिमालय में नहीं है शिला, ऐसी कटिंग की शिला पूरे हिमालय में नहीं, जैसे वो रख के गए हैं। तो यार अभी हम बोलने से कुछ नहीं, हम खुद जब देखेंगे आपको दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी यहाँ सब चीज़ है, पर अगले वीडियो में सब चीज़ सब डिटेल मिलेगी थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हमारे साथ में प्रधान जी हमारे साथ में आगे भी रहेंगे। तो आज इतना ही नहीं है, तो अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं काल भैरव मंदिर, दर्शन वर्शन करते हैं, फिर कल मैं आपको पूरा वीडियो अच्छे से दिखाऊंगा। काशी के घाट के वीडियो रहेंगे, कॉरिडोर भी यहाँ पे वो भी विजिट करूँगा थोड़े थोड़े पार्ट में, फिर कल सुबह की दर्शन गंगा आरती जो होती है वो भी मैं कंप्लीट करूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं चलता हूँ, काल भैरव मंदिर जाऊँगा, तो यहाँ पर निकलता हूँ यहाँ से। तो भाई ये बनारस की गलियाँ हैं, वो मुझे वो पिक्चर की याद आ गई यार, रंजना मूवी है जो साउथ इंडियन मूवी है यार, वो यहीं का शूट है, मतलब बनारस की गलियों में ही हूँ मैं भी, लेकिन प्रॉपर मुझे नहीं पता कौन सी गली है वो, लेकिन यही है पिक्चर की याद आ गई यार कि बनारस की गलियों में। यहाँ से सीधा ये रास्ता है जो बैक साइड से जाता है, ये रास्ता जो काल भैरव मंदिर की तरफ जाता है। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं, दर्शन हो जाएगा। तो बढ़िया दर्शन होगा, आइए। ये देखो यहाँ है, यहाँ से है, आइए काशी में, आइए बनारस में, काशी में आइए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बनारस की गलियों में घूम रहा हूँ, तो यहाँ के लोग ऐसे अननोन है लेकिन अच्छे अच्छे लोग हैं। तो ये देखो सारे है, यहाँ पे मंदिर का गेट है यहाँ से, तो यहाँ से एंट्री होगा। काफ़ी मार्केट एरिया अच्छा है, आप कभी विजिट भी करो यार। यार फिलहाल आगे की तरफ चल रहे हैं, तो देखते हैं मंदिर का गेट यहीं से चलोगे आपको क्या मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ, फिर आपको आपको बताता हूँ। अभी मेरे साथ में दो जन और हैं जो पीछे साइड है, लेकिन वो है किधर है मुझे देखना पड़ेगा। मैं काफ़ी खुशी खुशी में आगे आ गया हूँ। देखो ये मंदिर है जहाँ पे मैं काल भैरव मंदिर आने वाला, तो मेरे पीछे साइड है वो मंदिर है, तो काफ़ी लंबी लाइन है यार इस टाइम पे भी। तो अभी यहाँ के लिए भाई तो मुझे मत्था टेकना है, तो लाइन लगाऊंगा यहाँ से, काफ़ी लंबी लाइन है, देखो काफ़ी पीछे काफ़ी लंबी लाइन है इस तरफ, लाइन की तरफ जाने का है मुझे। तो लाइन में लगने के बाद भाई इस रास्ते में गाड़ी भी ऐसी आ रही है और लोग भी जा रहे, लाइन भी लगा रहे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल देखता हूँ दर्शन यहाँ पे करने का, मथुरा देखता हूँ।
तो फिर मैं निकलता हूँ आगे की तरफ। भाई टाइम के हिसाब से सब कुछ हो गया है, तो लगभग 7:30 भी बज गया है। तो अभी कुछ खाने का भूख लगा, तो ये एक रोल है फिलहाल, तो यही खा रहा हूँ। और यहाँ पे अलग है इसके लिए मैं खा रहा हूँ। यहाँ से खाने के बाद आगे मैंने दो पराठा भी देखा था, आलू का पराठा, जो 20 रुपये में दो दे रहे थे, तो वो खाऊँगा। फिर आगे यहाँ पे बगल में लस्सी है, तुम्हारा भाई थोड़ा थोड़ा सब ट्राई भी करेगा और पेट भी भरेगा, तो पेट भी भर जाएगा काफ़ी अच्छा है, हैवी भी ठीक है। तो यहाँ से खाने के बाद रूम की तरफ जाएंगे, जहाँ पे रूम है, आराम करेंगे, सोएंगे। तो पहले खाते हैं फिर आगे मिलते हैं। तो भाई पराठा कैंसिल हो गया मेरा, मैंने जो एग रोल खाया काफ़ी हैवी था, मैं पेट भर गया भाई, इसलिए आप बता सकते हो कि मैं कितना खाता हूँ। एग रोल में मेरा पेट भर गया। और फिलहाल लस्सी है, जो यार मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं लस्सी पीने गई मेरे को। लेकिन यार मैं जो इसके पहले लस्सी पिया था वो काफ़ी बेकार था, और काफ़ी बेकार था मतलब यार हल्का था, पतला ऐसा बोल सकते हो। तो और एक बार मैंने जौनपुर में लस्सी पिया था, वो वसूल चीज़ थी। अभी फ़िलहाल एक यहाँ पे है वापस, उम्मीद से पी रहा हूँ, लेकिन ये भी वैसे ही लग रहा है, कुछ खास नहीं है भाई, क्योंकि दिख रहा है जो जैसा है। तो ठीक है, अभी पीने के बाद देखते हैं कैसा है। भाई मज़ा नहीं आया, मेरे उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। सॉरी, उम्मीद में नहीं, उम्मीद पे पानी फेर दिया चलता, लेकिन इसमें लस्सी में ज़्यादा पानी फेर दिया था, इसे लस्सी पीने में मज़ा नहीं आया। तो भाई मैंने एक जौनपुर में पिया था, वो ऐसा नहीं था, उसने अलग तरीके से बना के दिया था यार, वो जो इसको यहाँ पे भरुका बोलते, पुरवा बोलते, जो मिट्टी का ग्लास था जो भी था उसको, तो ये वहाँ पे वो ऐसा नहीं था, वो प्लास्टिक ग्लास में भर के दिया था। बट यार प्यारी मतलब बहुत अच्छा लगा था वो, तो वैसा ये नहीं था। तो ठीक है, कोई नहीं, खा ली है भी कुछ, कभी और ट्राई करेंगे, फिर देखेंगे भी। तो अभी फ़िलहाल पेट तो एकदम भर गया है, तो अभी चलता हूँ जहाँ पे रूम है, तो वहाँ पे जाता हूँ। और फिलहाल तो कुछ नहीं यार, अभी सो जाऊँगा, तो कल सुबह जाना है मेरे को दर्शन करने के लिए काशी विश्वनाथ, और वहाँ पे जो घाट वगैरह है, तो आपको पूरा एक्सप्लोर मैं खुद भी एक्सप्लोर करूँगा, और आपको भी वीडियो बना के एक्सप्लोर पूरा करूँगा, दिखाऊँगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में भाई। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।